तो जी सुबह से शाम हो गई और अंशु का व्लॉग नहीं आया और सबको वेट था कि अंशु का व्लॉग क्यों नहीं आया। तो आज मैं बताऊंगी कि अंशु का व्लॉग क्यों नहीं आया, किस रीज़न से अंशु का व्लॉग नहीं आया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अंशु का व्लॉग आज क्यों नहीं आया, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन पहले जब अंशु ने वीडियो डाली थी उसके बाद सबको ये पता चल गया था कि कुछ तो ड्रामा हुआ है, कुछ तो कलेश हुआ है परिवार में, जिसकी वजह से अंशु ने इस तरीके का डिसीज़न लिया है और वो अपना परिवार तक छोड़ने को, मायके तक छोड़ने को, सिवान तक छोड़ने को तैयार हो गई और सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हो गई। तो इतनी क्या बड़ी बात हुई, जिसके बाद सब ने बहुत तमाम तरह के उम्मीद वो लगाए, अनुमान लगाए कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, खाना बनाने को लेके हुआ होगा, सास से झगड़ा हुआ होगा, जो भी जो सोच सकता था उसने उस तरीके की बातें करी। फिर कल दोपहर में अंशु का ब्लॉग आया और उसने बताया कि नहीं, अभी मैं ठीक हूँ और मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए पटना आई हूँ, पटना आके और यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनको कि शिवम बाबू कवर अप कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। हालाँकि अंशु शायद कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन शिवम बाबू ने भी अपनी तरफ से जो किया ना वो सही किया कि वो चीज़ों को कवर अप कर रहे थे। देखो सोशल मीडिया और की लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों अलग अलग रहे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम अंशु के हस्बैंड कर रहे थे। अब दूसरी चीज़ ये रही कि फिर अंशु का व्लॉग जब कल आ गया था और अंशु ने सारी ही चीज़ें क्लियर कर दी थी, तो उसके बाद अंशु का व्लॉग क्यों नहीं आया। उसके बाद अंशु के व्लॉग ना आने का कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स, कि उसके बाद अंशु का व्लॉग क्यों नहीं आया, ऐसी क्या रीज़न हो गई, ऐसी क्या बात हो गई जिसके बाद से कि अंशु का व्लॉग नहीं आया। देखो अगर हमारे परिवार में भी कोई कलेश होता है, कोई झगड़ा होता है, तो वो 2-3 दिनों तक ना उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है। जब चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई, तो सोशल मीडिया पे आने के बाद, क्योंकि हम सब अंशु के नेचर से वाकिफ़ हैं, वो जो भी है मुंह पे बोलेगी और बेबाक होके बोलेगी। तो आज जब मैंने आंटी जी का व्लॉग देखा ना, जब आंटी जी अंशु के बारे में बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं जाऊँगी तो बातें करूँगी, तो फिर ऐसा ही है कि अंशु को कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से, मायके पक्ष की तरफ से अभी कुछ टाइम व्लॉगिंग के लिए मना किया गया है। और ये मना इसलिए किया गया है कि आप चीज़ों को बैलेंस करके कैसे लेके चलना है। ये जब आंटी जी आएंगी तो एक माँ की तरह अंशु को समझाएंगी और समझाने के बाद वो अंशु को ये सारी चीज़ें गाइड करेंगी कि तुम्हें अपने व्लॉग में क्या चीज़ें शेयर करनी है, क्या चीज़ें शेयर नहीं करनी है, कब अग्रेसिव होना है, नहीं होना है, रिलेशंस को कैसे कंट्रोल करके चलना है। क्योंकि आंटी जी ने बोला भी है कि मैं जब आऊँगी तो अंशु से भी बात करूँगी, उनकी सास को भी बुला के बात करूँगी और दोनों को ही समझाने का काम करूँगी। यही एक कारण है जिसकी वजह से कि अंशु का व्लॉग नहीं आ रहा है। और हम ये उम्मीद भी करेंगे कि अंशु का व्लॉग तभी आए जब इनके परिवार में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ कुछ दिनों की है, चकाचौंध की लाइफ है, इससे आप अर्न ज़रूर करते हो लेकिन ये आपका परिवार नहीं है, ये आपका सब कुछ नहीं है, जिसके लिए आप सब कुछ दाव पर लगा दो, अपनी पूरी मैरिड लाइफ दाव पर लगा दो, अपना पूरा दुनिया दाव पर लगा दो, ऐसी कोई भी चीज़ सोशल मीडिया नहीं है। तो अगर आंटी जी ने ये किया है ना कि आप अंशु तुम कुछ दिन के लिए व्लॉग मत बनाओ, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ, चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर लेती हूँ और सबको समझा बुझा नहीं लेती हूँ, तब तक के लिए व्लॉग नहीं बनाओ, तो उन्होंने ये काम भी बहुत अच्छा किया है। कि इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो भी चीज़ें ना अंशु अपने बचपने में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ला के रख देंगी और उसके बाद फिर से मतलब सीन क्रिएट होंगे, फिर से चीज़ें होंगी, फिर से निगेटिव चीज़ें होंगी, फिर से वही रोना धोना और परिवार में आपसी तनाव होगा। तो उस क्योंकि देखो जब आंटी जी की जो एज है ना, वो उन्होंने धूप में खड़े होके तो किया नहीं है, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है और जब लाइफ का एक्सपीरियंस होता है तो पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बैलेंस करके चलनी है। तो और यही चीज़ वो ना जब बेटी माना है तो फिर वो बेटी का माँ होने का फ़र्ज़ भी निभाना है,
और कुछ प्रेशर मेरे ख्याल से ससुराल का भी होगा कि ये अभी इस तरीके के व्लॉग नहीं डालेंगी या इस तरीके का काम नहीं करेंगी, क्योंकि अंशु ने खुद सचिन से फ़ोन पे बोला भी था कि किसी को मेरा व्लॉग बनाना पसंद ही नहीं है, तो मैं क्या ही व्लॉग बनाऊं, अकेले क्या ही मैं व्लॉग बनाऊं। तो अभी वो जब पटना गए थे तो पटना का भी कोई व्लॉग नहीं आया, सिर्फ उनका क्लेरिफिकेशन व्लॉग आया था जिसमें कि लोगों ने सब कुछ देखा कि हाँ सब कुछ सुनने मिला और ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हैं कि हाँ सास बहू के ही बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं और व्लॉगिंग को लेके ही कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि सास को नहीं पसंद है या ससुराल के हस्बैंड को छोड़ के ससुराल के बाकी लोगों को नहीं पसंद है, उस पर ही कुछ किसी तरह की टीका टिप्पणी हुई है और घरेलू कामकाज को लेके किसी तरह की टीका टिप्पणी हुई है, तो जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हर फैमिली में होती हैं, बस ज़रूरत है इनको बैलेंस करके चलने की, और अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करके चलते हो ना तो लाइफ विल बी वेरी स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, यहाँ पे मैं अंशु के ससुराल के लोगों से भी, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, जब आपकी बहू बेटी या कोई भी फैमिली मेम्बर सोशल मीडिया पे आया है और वो अपनी फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, आप उसके व्लॉग्स में आ रहे हो, तो आपको सबसे पहला ट्रस्ट ना अपने फैमिली मेम्बर पे करना होगा, ना कि कमेंट करने वाले लोगों पे करना चाहिए। कि कमेंट करने वालों को क्या फ़र्क पड़ता है आपके घर में कौन सा कलेश हो रहा है, उन्हें तो मज़ा आएगा, कुछ लोगों को तो बहुत मज़ा आता है और वो कमेंट भी ना निगेटिव कमेंट भी इसीलिए करके जाते हैं कि आपके घर में कलेश हो। तो ये तो आपको सोचना है कि आपको अपने बहू पे, अपनी बेटी पे, अपने परिवार के सदस्य पे कितना ज़्यादा भरोसा दिखाना है, और उस पे भरोसा दिखा के अपने परिवार में किसी भी तरीके का कोई भी तनाव